Hello friends, welcome to Study Master and this is our first lecture regarding ancient history. चलिए आज का जो है लेक्चर की शुरुआत करते हैं. इसमें हम ancient history के बारे में पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास, किस तरह से इतिहास की शुरुआत हुई थी, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं, कैसे हमें पता चलता है, सारी चीजें डिटेल में देखेंगे और कोई डाउट रहेगा तो आप हमसे पूछ सकते हो. सबसे पहले प्राचीन भारत, हमें प्राचीन भारत हमारे लिए काफी एग्जाम में इम्पोर्टेंट रहता है. काफी एग्जाम में प्राचीन भारत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो हमारे पास जितने भी स्रोत हैं, स्रोत के आधार पर इतिहास को तीन भागों में बांटा गया था. याद रखना है कितने भागों में बांटा गया था, तीन भागों में. किसके आधार पर? स्रोत के आधार पर, जो हमारे पास सोर्सेज थे. सोर्सेज कहाँ से आए थे? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व विभाग के पास. इसके बारे में हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अब सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि स्रोत के आधार पर इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है. कौन कौन से वो भाग? प्रागैतिहासिक काल, पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है औध ऐतिहासिक काल और तीसरा है यहाँ पर ऐतिहासिक काल. प्रौग ऐतिहासिक काल कौन सा है? जिसमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ. प्रौग ऐतिहासिक काल मतलब उसमें कोई लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिला. सिर्फ और सिर्फ क्या मिले हमें? प्रमाण मिले हैं. कुछ जो है लास्ट में उनके बच गए थे प्रमाण, जैसे कुछ पत्थर के टुकड़े मिल गए, कुछ औजार प्राप्त हो गए. तो इन सब चीजों से हमें प्रौग ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है. उस टाइम पीरियड के बारे में हमें पता चलता है. दूसरा है हमारा औध ऐतिहासिक काल, औध ऐतिहासिक जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं पर उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है. लिखित साक्ष्य मिले हमें पर उनको पढ़ा नहीं जा सकता, ऐसे इतिहास को क्या बोलते हैं? औध ऐतिहासिक काल. तीसरा है ऐतिहासिक काल, जो कि जिनके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं. जितनी भी हिस्ट्री हमारे पास लिखित रूप में है और हम उनको पढ़ सकते हैं, वो सारी हमारे किस में आती है? वो हमारी ऐतिहासिक काल के अंदर आती है. हिस्ट्री सारी ऐतिहासिक काल में, जान ऐतिहासिक काल में हम पढ़ेंगे सारी. फिर से देखिए यहाँ पर स्रोत हैं. स्रोत के आधार पर हिस्ट्री को तीन भागों में बांटा गया. कौन कौन से? प्रौग ऐतिहासिक काल, औध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल. अब ये देखिए कि इनमें कौन कौन सी चीजें हैं, ऐतिहासिक काल में कौन कौन सी चीजें यहाँ पर आती हैं. चलिए आपके लिए थोड़ा आगे बढ़ा देते इसको. प्रौग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल जिसको कि प्राक इतिहास भी कहते हैं, प्राक इतिहास भी इसे ही कहा जाता है. अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्राग इतिहास कौन सा काल है, तो ये प्राग ऐतिहासिक काल है. और जो भी पाषाण काल है, ये सारा किसके अंदर आता है? ये प्राग ऐतिहासिक काल में आता है, पाषाण काल. पाषाण मतलब पत्थर. तो पत्थर का युग या फिर पत्थर का काल, जिस समय पत्थर यूज किया जाता था, पत्थर के हथियार चलते थे या पत्थर के औजार यूज किए जाते थे, उसको बोलते हैं पाषाण काल. दूसरा है और ऐतिहासिक काल, जिसको बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता, जिसके हमारे पास प्रमाण बहुत हैं, साक्ष्य मिले हैं, लिखित साक्ष्य मिले हैं पर उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है, उनकी लिपि आज तक हम पढ़ नहीं सके हैं. तीसरा है इतिहास, जो कि वैदिक पीरियड से आगे, वैदिक काल से आगे जितना भी इतिहास है, 1947 तक इतिहास, जब तक हमने आजादी प्राप्त की है, वो सारा इतिहास हमारे पास लिखित रूप में है, तो उसको हम इतिहास के रूप में पढ़ते हैं. तो तीनों चीजें आपको कवर हो गई होंगी, समझ आ गई होंगी. हड़प्पा सभ्यता और ऐतिहासिक काल है, पाषाण काल जिसको प्राक इतिहास कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल है ये. अब नेक्स्ट है, सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल की शुरुआत या फिर इसके बारे में फाइंड आउट रिसर्च किसने की थी? रॉबर्ट ब्रुशफुट ने. क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में किसने जानकारी दी थी? रॉबर्ट ब्रुशफुट ने. चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं. नेक्स्ट हमने क्या इंपॉर्टेंट देखना है? नेक्स्ट हमारा है 1820 के अंदर, जो वर्ल्ड लेवल पे 1820 में जर्गेनस थॉमसन ने पाषाण काल, कांस्य युग एवं लोह युग में बांटा था. तो उन्होंने इतिहास को तीन युगों में बांट दिया. तीन कौन कौन से युग थे? अब ये किसने बांटा है? जर्गेनस थॉमसन ने. किस किस में? पाषाण काल, दूसरा है कांस्य युग और तीसरा है लोह युग. कब बांटा? 1820 में. चलिए इस चीज को डिटेल से समझते हैं. हमारी जो दिनचर्या होती है, डे टू डे वर्क होती है, वर्किंग होती है, जो हम दिनचर्या जीते हैं, उसमें हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है. उसमें कुछ औजार हो सकते हैं, कुछ सामान हो सकता है और भी बहुत सारी चीजें. तो इस काल में जब वो सारी चीजें पत्थर से बनी हुआ करती थी, तो उस काल को क्या बोलते थे? पाषाण काल.
जिसमें दिनचर्या की चीजें, हथियार, औजार और भी सारा सामान जो है पत्थर से बना होता था, उसको बोलते हैं पाषाण काल। जिस समय ये सारी चीजें कांस्य की बनी होती थी, कांस्य युग। अब कांस्य क्या होता है? कांस्य होता है तांबा, ये एक अलॉय होता है तांबा और टिन का। ये दोनों चीजों का अलॉय होता है, मिश्रण होता है, इसको बोलते हैं कांस्य। इसको कांस्य युग, जिस समय ये तांबा और टिन को मिलाकर यूज किया जाता था, इस धातु को यूज किया जाने लगा था, उस युग को बोलते हैं कांस्य युग। तो पाषाण काल पत्थर युग, कांस्य युग कौन सा था? कांस्य युग हड़प्पा कालीन सभ्यता को बोलते हैं, हड़प्पा कालीन सभ्यता को कांस्य युग कहा जाता है। और लौह युग जिसमें लोहा युद्ध होने लग गया था, आयरन, जहां पर लोहे का प्रयोग होने लगा, आयरन का प्रयोग होने लगा, उसको बोलते हैं लौह युग। तो ये वैदिक काल के अंदर लोहे का प्रयोग किया जाने लगा, इसमें जो है लोहा धातु का प्रयोग किया जाने लगा। तो इस तरह से 1820 में जर्गेनस ने थॉमसन ने इतिहास को पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग में बांटा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से प्राग ऐतिहासिक काल है, आद ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल है, उसके बाद पाषाण काल समझ में आ गया, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक के आगे का समझ आया। अब 1820 में पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग बांटा गया था। अब नेक्स्ट देखिए, भारतीय पुरातत्व के जनक, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, भारतीय पुरातत्व के जनक, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अलेक्जेंडर कनिंघम, भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम। नोट डाउन कर लीजिए इसको। मैंने पहले ही कहा था कि सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करने की हैबिट डाल लो, नहीं भी करने कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप ये हैबिट डेवलप कर लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब नेक्स्ट देखिए, पाषाण काल को आगे तीन भागों में बांटा गया है। पहले हमने देखा था किस तरह से इतिहास को तीन भागों में बांटा गया, उसके बाद ये जो पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग हो गया। अब जो हमारा ये पहले वाला है पाषाण काल, पत्थर का युग, प्रागैतिहासिक काल या फिर प्राक इतिहास, इसको आगे तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग है? पूरा पाषाण काल, दूसरा यहां पर है मध्य पाषाण काल, और तीसरा यहां पर है नव पाषाण काल। अब इन तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये यहां पर हम देखते हैं, किस तरह से सारी चीजें आपको डिटेल से भी हम समझाएंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं यहां पर हम। अब इसमें कुछ ये लिखे हुए हैं कि तीनों चीजों में कैसे डिफरेंस किया गया है। इसमें आधार दे रखा है, आधार पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये एक टेबल का फॉर्मेट है, टेबल का रूप दिया गया इसको, ताकि आपकी तीनों में आपको डिफरेंस पता चल सके, तीनों में क्या क्या चीजें फाइंड आउट की गई थी वो आपको पता चल सके। चलिए सबसे पहले आधार के अंदर क्या दिया गया, काल। काल मतलब टेन्योर या फिर टाइम पीरियड, कि जो ये इन तीनों का टाइम पीरियड क्या था, आधार या फिर काल, इनका टेन्योर क्या था, टाइम पीरियड क्या था। सबसे पहले यहाँ पर पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। तो इनका टाइम पीरियड देखते हैं। पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड है 25 लाख BC से 10,000 BC तक। अब किसी को ये भी नहीं पता हो सकता कि BC और AD में क्या डिफरेंस है, या फिर ईसवी और ईसवी पूर्व में, ये होता है ईसवी, ये होता है ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले ईसा पूर्व, और ईसवी ईसा मसीह के जन्म के बाद, बिफोर क्राइस्ट और एमिनो डोमिनी। तो ये दोनों चीजें याद रखना, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व और ईसा मसीह जन्म के बाद। तो इसलिए यहाँ पर BC और AD यूज किया जाता है, यहाँ पर है BC। तो ईसा मसीह के जन्म से 25 लाख वर्ष पूर्व और 10,000 BC तक कौन सा काल है, ये पूरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल, ये 10,000 BC से 4,000 BC तक, और नव पाषाण काल 10,000 BC से 1,000 BC तक। अब आपके माइंड में एक चीज क्वेश्चन शायद आ रहा होगा कि सर ये भी 10,000 से है, ये भी 10,000 से है, तो ऐसा क्यों? फ्रेंड्स, हर जगह कंडीशन एक जैसी नहीं थी। कुछ कहीं पर, कुछ यहाँ पर मान लीजिए कुछ ये पार्ट है, कुछ ये पार्ट है, तो यहाँ पर तरक्की, उन्नति, डेवलपमेंट पहले आ गई, यहाँ पर डेवलपमेंट बाद में आ गई। तो यहाँ पर ये जो लोग हैं इन्होंने मध्य पाषाण काल में पहुंच गए, लेकिन यहाँ लोग अभी भी यहाँ पर लोग जो है नव पाषाण काल में पहुंच गए, और यहाँ पर लोग अभी मध्य पाषाण काल में जी रहे थे। यहाँ पर कुछ और तरह के हथियार यूज किए जा रहे थे। तो कुछ समय तक दोनों काल अलग अलग जगह पर समकालीन थे, मतलब एक साथ चल रहे थे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। दोबारा से देख लीजिए, 25 लाख BC से 10,000 BC तक, 10,000 BC से 4,000 BC तक, और 10,000 BC से 1,000 BC तक इसका टाइम पीरियड है, टेन्योर है।
दूसरा है चरण, ये देख लीजिए। चरण, चरण के अंदर क्या है? पुरा पाषाण काल, इसको तीन चरणों में आगे विभाजित किया गया है। पूर्व पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण और उच्च पुरा पाषाण। तो ये जो पुरा पाषाण है, पत्थर का युग है, इसको फिर आगे तीन भागों में डिवाइड किया गया है। यहां से क्वेश्चन ना के बराबर पूछा जाता है, क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया है कि पूर्व पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण और उच्च पुरा पाषाण काल, इनका ऐसा कोई भी चरण नहीं है, तो यहाँ पर खाली छोड़ दिया गया। यहाँ पर आप कुछ भी नहीं है, याद नहीं करना है। तीसरा है यहाँ पर लक्षण, कि उस समय कौन कौन से गुण थे उस काल के, उस काल के क्या क्या लक्षण थे। तो पुरा पाषाण काल के अंदर देखते हैं, उस समय आखेटक, आखेटक मतलब, आखेटक का मतलब होता है शिकारी। एग्जाम में कई बार पूछा गया, कई एग्जाम्स में आखेटक से क्या तात्पर्य है, आखेटक का मतलब होता है शिकारी, ठीक है। उस समय ये जो आदि मानव था वो आखेटक था, सिर्फ और सिर्फ शिकार करता था। खाद्य संग्राहक, अपना अपने खाने के लिए जी रहा था, और कृषि और पशुपालन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ध्यान रखिएगा इस बात का, उस समय जो आदि मानव था वो आखेटक था, सिर्फ और सिर्फ शिकारी था, अपना पालन पोषण करने के लिए, अपना पेट पालने के लिए जी रहा था, खाद्य संग्राहक था, सिर्फ अपना खाना एकत्र कर रहा था, या फिर यहाँ पर इसके बारे में भी कम साक्ष्य हैं, कृषि और पशुपालन के बारे में बिल्कुल भी उनको ज्ञान नहीं था। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो है मध्य पाषाण, मध्य पाषाण के अंदर आखेटक मतलब शिकारी, खुद का खाना खा रहे, खुद के लिए शिकार कर रहे थे अपने पेट के लिए। खाद्य संग्राहक मतलब अब खाना एकत्रित भी करने लगे, मतलब इकट्ठा करने लगे खाना। पहले तो ये था कि शिकार किया और खा लिया, बाकी बचा खुचा वहीं फेंक दिया, लेकिन अब उसको इकट्ठा कर लेते थे, अपने साथ रख लेते थे, ताकि एक दो दिन का काम और चल सके, तो खाद्य संग्राहक। और यहाँ पर जो है पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी, पशुपालन की शुरुआत। सबसे पहले एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया, तो वो है कुत्ता। इसको पालतू बनाने का एक कारण है, कुत्ते को पालतू बनाने का क्या कारण था? एक तो ये शिकार में मदद करता था, कुत्ता भी आपको पता है एक शिकारी टाइप है, कुत्ता भी शिकार करता था, और दूसरा यहाँ पर रक्षा करता था सिक्योरिटी पर्पजेस के लिए, ताकि कोई आए और ये कुत्ते को आहट से पता चल जाता है, तो यहाँ पर अपने सिक्योरिटी के लिए, अपने बचाव के लिए कुत्ते का यहाँ पर प्रयोग किया जाता था, कुत्ते को रखा जाता था, और दूसरा शिकार में हेल्प मिलती थी। इसलिए सबसे पहले पशुपालन किस जानवर का किया गया था? कुत्ते का। लेकिन यहाँ पर विधिवत पशुपालन नहीं था, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि हाँ एक प्रजाति रखी फिर दूसरी प्रजाति नहीं, यहाँ पर कुत्ता कहीं से पकड़ के उसको अपने पास रख लिया जाता था, छोटे से कुत्ते को, और उसको पालतू जानवर बना लिया जाता था। तीसरा है यहाँ पर कृषि। अब नवपाषाण काल में चलते हैं, यहाँ पर कृषि और पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी, समाज स्थायी हो चुके थे, निवास प्रारंभ हो चुका था। अब मान लीजिए आपके पास खुद की जमीन है, तो अब आप अपनी जमीन में खेती करते हैं, तो यहीं पे रहेंगे, इसके आसपास रहेंगे, ताकि आपको देखना भी है कोई जानवर इस जमीन को खराब ना करे, इसको समय समय पे पानी देना, या फिर इसका रख रखाव करना, पौधों को देखना। तो जब खुद की जमीन होने लग गई, मतलब यहाँ पर कृषि की शुरुआत हुई, तो वहां पर क्या हो गया? स्थायी निवास का प्रारंभ हो गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कृषि की शुरुआत कब, किस काल में हुई थी? तो नवपाषाण काल में। समय क्या है? 10,000 BC से 1,000 BC तक। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुई थी? तो नवपाषाण काल में। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड लिखा होगा, विधिवत, विधिवत पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुई थी? नवपाषाण काल में। और वैसे अगर देखा जाए तो पशुपालन की शुरुआत किस में हुई थी? मध्य पाषाण काल में। तो एक विधिवत वर्ड लिखने से पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, तो दोनों में आपको ध्यान रखना है बस ये जो मैं बता रहा हूँ। और स्थायी निवास प्रारंभ कहाँ पे हुआ था? ये भी नवपाषाण काल में। तो पहले तीन एक बार फिर से देख लीजिए, काल 25 लाख BC से 10,000 BC तक, 10,000 BC से 4,000 BC तक, और नवपाषाण 10,000 BC से 1,000 BC तक। चरण, इसके तीन चरण है और इनका कोई भी चरण नहीं है। लक्षण यहाँ पर देखिए, आखेटक, खाद्य संग्राहक, कृषि और पशुपालन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आखेटक, खाद्य संग्राहक और पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी, सबसे पहला पशु कौन सा पाला इन्होंने? कुत्ता। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। कृषि, पशुपालन की शुरुआत, समाज स्थायी हो गए, निवास प्रारंभ हो चुका था, तो ये यहाँ पर कुछ लक्षण थे। आई होप आपको ये याद हो चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है औजार। अब औजार के बारे में देख लेते हैं, पूरा पाषाण काल में किस किस तरह के औजार यूज हो रहे थे? तो वो हो रहा था क्वार्टजाइट, शल्क, ब्लेड। क्वार्टजाइट,
शल्क और ब्लेड आदि तरह के जो है यहाँ पर औजार यूज किए जा रहे थे, प्रयोग में लाए जा रहे थे। दूसरा काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये है माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ क्या होता है? सूक्ष्म पत्थर के औजार। पूछा जाएगा माइक्रोलिथ पत्थर, माइक्रोलिथ औजार किस काल में यूज किए जाते थे, प्रयोग में लाए जाते थे? तो मध्य पाषाण काल में। कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए माइक्रोलिथ क्या होता है, सूक्ष्म पत्थर के औजार कब यूज में आ रहे थे, मध्य पाषाण काल के अंदर। ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया था, माइक्रोलिथ से क्या तात्पर्य है? तो सूक्ष्म पत्थर के औजार। मैं आपको सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से बताता हूँ कि किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ से कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से सुना करो वीडियो को, डिटेल से देखा करो। एक बार में समझ ना आए तो लेक्चर को दोबारा से देख लिया करो, एक बार पूरा देखने के बाद उसको फिर से देख लो, ताकि आपको याद रहे चीजें, आपको चीजें समझ में आए। और तीसरा है, यहाँ पर नवपाषाण काल के अंदर स्लेट के यहाँ पर बने होते थे उनके औजार। जनरली जो औजार थे पूरा पाषाण काल के अंदर, पत्थर और हड्डियों के बने होते थे। याद रखना, पत्थर प्लस हड्डियों के। अगर आपसे कोई पूछ ले कि पत्थर और हड्डियों के औजार किस काल में प्रयोग में हो रहे थे, तो पूरा पाषाण काल है तो ये लगा दीजिए, मध्य पाषाण काल है तो ये टिक कर दीजिए, नव पाषाण काल है तो ये टिक कर दीजिए। अगर तीनों दे रखे हैं तो फिर ऑप्शन में दिया होगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी, तो फिर आप ध्यान रखना इस बात का। अब है महत्वपूर्ण स्थल, कुछ महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं फाइंड आउट किए गए थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से। उनसे कौन कौन से साक्ष्य, कौन कौन से प्रमाण मिले हैं, आपको अभी मैं यहाँ पर बता देता हूँ, और आपको वो फिर याद रखने हैं कि कौन कौन से साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं। चलिए देखते हैं। महत्वपूर्ण स्थल, सबसे पहला स्थल है अतिरम पक्कम, नाम याद रखना अतिरम पक्कम। कहाँ पर है ये? तमिलनाडु के अंदर। यहाँ से हमें पूरा पाषाण काल के यहाँ पर कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है हथनौरा, काफी इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में पूछा गया हथनौरा किस राज्य में, ये एमपी के अंदर है हथनौरा, एमपी में। तो हथनौरा से हमें मानव खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछा जाएगा, मानव खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हथनौरा, हथनौरा कहाँ पर है? एमपी के अंदर। दो चीजें पढ़ी, अतिरम्पक्कम और हथनौरा। तीसरा यहाँ पर है भीमबेटका, भीमबेटका कहाँ पर है? एमपी में है। कौन सी घाटी में है? नर्मदा घाटी में। यहां से हमें चित्रकारी के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं, और किस काल के? तीनों काल, पाषाण काल, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल। तो तीनों कालों की जो है चित्रकारी के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? भीमबेटका, भीमबेटका कहाँ है? एमपी में। किस घाटी में भीमबेटका? नर्मदा घाटी में। तो ये क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट है यहाँ पर मिर्जापुर, मिर्जापुर किस स्टेट में है? ये यूपी में है। यहाँ पर तीनों काल के औजार के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। याद रखिए, अतिरम पक्कम, हथनौरा एमपी, भीमबेटका एमपी और मिर्जापुर यूपी। मिर्जापुर से तीनों कालों के औजार, भीमबेटका से चित्रकारी के साक्ष्य तीनों काल के, और मानव खोपड़ी का पहला साक्ष्य कहाँ मिला? हथनौरा एमपी में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन घुमा के किस तरह से पूछा जाता है। इस तरफ ये कुछ नाम दे दिए जाते हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर लिस्ट वन नाम और लिस्ट टू स्टेट। मैच द फॉलोइंग, अतिरम्पक्कम तमिलनाडु, सॉरी हथनौरा एमपी, भीमबेटका एमपी और मिर्जापुर यूपी। तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट यहाँ पर जो है चौपानी मांडो, ये कहाँ पर है? ये यूपी स्टेट के अंदर है। चौपानी मांडो से क्या प्राप्त हुआ है? मृदभांड के प्रथम साक्ष्य है। अब मृदभांड क्या होता है? मिट्टी के बर्तन, उसको क्या बोलते हैं? मृदभांड। मिट्टी के बर्तन के प्रथम साक्ष्य चौपानी मांडो से प्राप्त हुए हैं। चौपानी मांडो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। दूसरा है सराय नहराए, सराय नहराए कहाँ पर है? ये भी यूपी के अंदर है। यहां से भी कुछ पुरातत्व साक्ष्य मिले हैं जो तीनों काल से रिलेटेड थे। नेक्स्ट है बागौर, इंपॉर्टेंट है, बागौर राजस्थान में है और आदमगढ़ एमपी में। तो यहाँ पर पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर तो मैंने आपको बताया था कि कुत्ता, वो यहीं से पता चला था कि सबसे पहला जो है पशुपालन के साक्ष्य यहां से मिले हैं, बागौर राजस्थान और आदमगढ़ एमपी से। तीसरा है यहाँ पर नेक्स्ट ब्रज होम, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में कर लीजिए इसको। ब्रज होम ये कहाँ पर है? कश्मीर के अंदर। यहाँ पर गर्तवास के साक्ष्य मिले हैं। गर्तवास मतलब गड्ढे खोदकर लोग उसके अंदर निवास करते थे। तो ये कहां से पूछा जाएगा, गर्तवास के साक्ष्य कहां से मिले हैं?
तो गर्तवास के साक्ष्य हमें ब्रज होम कश्मीर से मिले हैं। गर्तवास मतलब गड्ढे खोदकर, जमीन में गड्ढे खोदकर वहां पर लोग निवास करते थे, वहां पर लोग रहते थे, ध्यान रखना गर्तवास। और दूसरा कब्र में मालिक के साथ कुत्ते का प्रमाण, यह कहां से प्राप्त हुआ, ये भी ब्रज होम में, जो कब्र के साथ, कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया, मालिक के साथ कुत्ते को भी दफन किया गया, तो ये साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, ये साक्ष्य ब्रज होम कश्मीर से प्राप्त हुए। नेक्स्ट है गुफा कराल, ये गुफा कराल कहां पर है, ये भी कश्मीर के अंदर है, गुफा कराल। तो यहाँ पर लोग जो है गुफा के अंदर रहते थे, गुफा बनाकर रहते थे, गुफा कराल कश्मीर में। यहां से भी गुफा से थोड़ा सा ध्यान लगा लीजिए कि यहाँ पर लोग गुफा में रहते थे, गुफा कराल जगह का नाम है कश्मीर। नेक्स्ट है चिरौंद, चिरौंद कहाँ पर है, बिहार में, ये बिहार के एग्जाम में पूछा जाता है। चिरौंद से हमें तीनों काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, चिरौंद बिहार में है ये। नेक्स्ट है कोल्डी हवा, ये कहाँ पर है, यूपी में, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, चावल के प्रथम प्रमाण, थोड़ा सा ध्यान रखना। दूसरा है बलूचिस्तान मेहरगढ़ में कृषि के प्रथम प्रमाण, अब कंफ्यूज हो रहे हो आप यहाँ पे क्या, एक तो मैंने पढ़ा दिया कोल्डी हवा वो कहाँ पर है, यूपी में, दूसरा पढ़ा दिया यहाँ पर, पहला देखिए यहाँ पर कोल्डी हवा यूपी में, दूसरा है मेहरगढ़ बलूचिस्तान में। तो कृषि के प्रथम प्रमाण ये तो मिले हैं बलूचिस्तान मेहरगढ़ में, मेहरगढ़ जगह का नाम है कहां पर है, बलूचिस्तान के अंदर है, कृषि के प्रथम प्रमाण। और चावल के प्रथम प्रमाण कहां से मिले हैं, कोल्डी हवा यूपी से। ध्यान रखना दोनों अलग अलग प्रश्न है, अलग अलग इनके उत्तर बनते हैं, लेकिन जब एग्जाम में आपके ऊपर प्रेशर होता है प्रीलिम्स में, और थोड़ा टाइम भी कम रहता है, या फिर किसी वजह से थोड़ा स्ट्रेस फील करते हो, तो फिर दोनों क्वेश्चन एक जैसे लगते हैं और गलती होने के चांसेस मैक्सिमाइज हो जाते हैं, गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसको पहले ही अपने डाउट जो है क्रिस्टल क्लियर रखो कि मेहरगढ़ से हमें कृषि के प्रमाण मिले हैं और कोल्डी हवा यूपी से हमें चावल के प्रमाण मिले हैं। फिर से देख लीजिए ब्रज होम कहां पर है, कश्मीर में, गुफा करौल कहां पर है, ये भी कश्मीर में, चिरौंद बिहार में, कोल्डी हवा यूपी में, और मेहरगढ़ बलूचिस्तान जो कि अब पाकिस्तान के अंदर है, ये देख लीजिए आदमगढ़ एमपी में है, बागौर राजस्थान में, सराय नहराय यूपी में, चौपानी मांडो ये भी यूपी में, और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो मैच द फॉलोइंग में कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, तो सभी जगह का नाम और उनकी स्टेट्स का नाम आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो आपको डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से जाके आप हर एक लेक्चर की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। अगर आप पेड लेक्चर्स देख रहे हैं तो पेड लेक्चर्स में आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएंगी, और आपके पास जो स्टडी मटेरियल अवेलेबल है उसको टाइम टू टाइम पढ़ते रहिए और साथ में रिविजन जरूर करते रहिए। नेक्स्ट और जो लास्ट है वो क्या है, खोज के बारे में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आग की खोज किस काल में हुई थी, तो पाषाण काल के अंदर, आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई थी, पूछा जाता है क्वेश्चन, आग की खोज किस काल में हुई थी, पूरा पाषाण काल के अंदर आग की खोज हुई। आग का प्रयोग किस काल में शुरू हुआ, तो ये मध्य पाषाण काल के अंदर, आग का प्रयोग कब शुरू हुआ, मध्य पाषाण काल में। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट और जो है नव पाषाण काल, जहां पर पहिया कृषि और समाज की स्थापना की गई। पहिया, पहिए से आपको पता है पहिया आया तो यातायात का सारा ही काम चल पड़ा, यहां से जो आप यहाँ पर आजकल जो भी चीजें चल रही है यातायात की, उसमें पहिया लगा होता है, गोल पहिया, तो उस समय सबसे पहले पहिए का प्रयोग किस काल में हुआ था, तो इसका प्रयोग नवपाषाण काल में हुआ था, और खोज भी नवपाषाण काल के अंदर ही की गई थी। कृषि का साक्ष्य, कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में, और जो स्थायी समाज जहां पर लोगों ने घर बनाए, गांव बने, कस्बे बने, तो वो यहाँ पर, वो भी नवपाषाण काल के अंदर ही इस चीजों के बारे में पता चला। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और इस लेक्चर को 2 या 3 दिन बाद दोबारा जरूर देख लेना, उससे आपको जो है आपके सारे डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जो चीजें इस बार रह भी गई हैं, नहीं समझ में आई, आपका ध्यान पीछे चला गया या फिर इधर उधर हो गया, तो वो भी नेक्स्ट टाइम जब आप इस लेक्चर को सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएंगी। चलिए कोई फीडबैक देना चाहो तो कमेंट सेक्शन ओपन है नीचे, कमेंट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन ओपन नहीं है मान लीजिए, तो आप हमें व्हाट्सएप पे फीडबैक दे सकते हो, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर फ्री और पेड दोनों तरह के ग्रुप हैं, तो वो ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर भी आप हमें फीडबैक दे सकते हो। चलिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।